Hi guys, Vip Modi here from Modi Academy. Today we are going to learn about of question number 3, 4 and 5 of class 10 13.4 exercise. ठीक है, तो देखो आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन वॉच फ्रॉम द प्लेलिस्ट ऑफ मोदी एकेडमी क्लास 10 एनसीईआरटी. उसमें हमने सारे के सारे फॉर्मूलास फॉर फर्स्ट टर्म डिराइव कर लिए. ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करने वाले हैं. तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है हमें, फैज द कैप यूज्ड बाय टर्म, मतलब कि एक फैज करके एक बच्चा है जो कैप पहनते हैं, जो टर्म से कैप पहनी जाती है. तो ऐसा हमको फर्स्ट टर्म का शेप में हमारा वो कैप है. ठीक है, तो इस शेप लाइक द फर्स्ट टर्म ऑफ द कोन हमको फिगर में भी इधर हमको गिवन किया गया है. ठीक है, तो इफ द रेडियस ऑफ द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, मतलब जहां से वो ओपन है तो ये उसका मेरे को रेडियस क्या दिया है, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर आया है गिवन. ठीक है, एंड द अपर रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब कि ये ऊपर वाला है तो उसका हमको 4 सेंटीमीटर हमको दे दिया है. ठीक है, एंड द स्लैंट हाइट बोल दिया है कि स्लैंट हाइट जो है वो क्या है, तो इट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हमको गिवन है. तो फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज. ठीक है, तो अब कितना मटेरियल यूज हुआ होगा, सीधी सी बात है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म तो आएगा ही आएगा, पर जो ऊपर छोटा वाला पार्ट है उसका भी तो एरिया ऐड होगा. मतलब कि टोटल वी कैन से टोटल एरिया रिक्वायर्ड तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म, तो उसका फॉर्मूला पाई इंटू आर वन प्लस आर टू इंटू एल है, एंड प्लस हमारा एरिया ऑफ द अपर सर्कुलर आर्म और द एंड, तो इट विल बी पाई इंटू ऊपर का आर वन लेते हैं तो पाई इंटू आर वन का स्क्वायर आएगा. ठीक है, तो हमारे पास इधर कंसिडर कर लेते हैं कि ऊपर वाला आर वन है तो आर वन का रेडियस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, आर टू इज इक्वल टू मेरे पास है 10 सेंटीमीटर, एंड एल इज इक्वल टू हमारे पास है 15 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है, उसका मतलब कि पाई का वैल्यू तो हमें पता है, तो पाई का वैल्यू आप 3.14 में लिख सकते हो, 22/7 भी लिख सकते हो, बट इन दिस क्वेश्चन 22/7 विल बी मोर प्रेफरेबल. 22/7 एंड पाई टू कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा क्या, तो कि आर वन प्लस आर टू इंटू एल, तो देखो आर वन प्लस आर टू क्या आएगा, तो इट विल बी हमारे पास 4 प्लस 10 14 हो जाएगा, एंड 14 इंटू मेरे पास लेंथ है मतलब 15, एंड पीछे से भी पाई कॉमन ले लिया तो आर वन का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16. उसका मतलब कि इधर मेरे पास 22/7 ब्रैकेट में जब हम लोग 14 इंटू 15 करेंगे ना तो हमको कुछ आंसर मिलेगा 210. ठीक है, उसका मतलब कि 210 हो गया, एंड प्लस हम लोग क्या करेंगे 16 करेंगे. ठीक है, इसका मतलब कि इधर 22/7 इंटू क्या, क्योंकि हमारे पास आंसर विल बी इक्वल्स टू, इट विल बी 210 प्लस 16, इट विल बी 226 हो जाएगा. ठीक है, उसका मतलब कि अब कुछ कट होगा नहीं, बिकॉज देखो 226 कैन ऑल्सो नॉट डिवाइडेड बाय वी कैन से हमारे पास 7 से. उसका मतलब जब हम लोग 22 इंटू 226 मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिवाइड बाय 7 करोगे तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा 710, एंड मिक्स फ्रैक्शन 2/7 एंड सारा का सारा क्वांटिटी सेंटीमीटर में, तो इधर हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है एंड आपको बहुत सॉल्यूशन भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला पास करना है कि पाई इंटू आर वन प्लस आर टू एल एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज एंड, तो आप लोग उसको आर वन बोलते हो तो इधर पाई इंटू आर वन स्क्वायर, इफ आपने उसको आर टू ले लिया है तो वहां पर पाई इंटू आर टू स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, तो द थिंग इज कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जामिनेशन से बहुत बार आपको होता है. ठीक है, सो ये क्वेश्चन 3 मार्कर 4 मार्कर के लिए मोस्ट IMP है, टिक कर लेना, रिवाइज कर लेना, स्टडी कर लेना, तो इसमें से ये क्वेश्चन तो फर्स्ट टर्म में आता ही है. ठीक है, सो नाउ उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है, फॉर्मूला पता होगा तो सारा का सारा इजी. सो आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड पार्ट 1 ऑफ 13.4, तो यू कैन वॉच फ्रॉम द आई बटन व्यूड अबव, सो आपको पूरा का पूरा थियरी पता चल जाएगा. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है हमें, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप इज मेड अप ऑफ मेटल शीट, मतलब कि एक कंटेनर है वो ओपन है टॉप से, मतलब कि चलो ऐसा कंसीडर करते हैं कि ऐसा मेरे पास एक कंटेनर है जो ऐसा हमको दिख रहा है. ठीक है, ऊपर से ओपन है एंड इज इन अ फॉर्म ऑफ अ फर्स्ट ऑफ द कोन विद हाइट 16 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका जो हाइट है ना, तो हाइट हमको पता है कि हाइट इज इक्वल टू मेरे पास है 16 सेंटीमीटर. चलो ठीक है, अब हमको आगे क्या बोला है,
with a radius of its lower and upper end is 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. नीचे का जो रेडियस है वो मेरे पास 8 सेंटीमीटर है, ऊपर का जो रेडियस है वो मेरे पास 20 सेंटीमीटर है. चलो ठीक है, अब क्या, क्योंकि हमारे पास फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट रेट ऑफ ₹20 पर लीटर. मतलब कि 1000 सेंटीमीटर की 1 लीटर होगा तो मेरे को ₹20 आपको पे करना है 1 लीटर के लिए. तो मेरे को ये पूरा का पूरा कंटेनर फिल करना है मिल्क से तो कितना कॉस्ट आएगा. ठीक है, हमको ये चीज फर्स्ट वाला है. सेकंड हमको बोला है कि मेरे को ये बनाने में कितना कॉस्ट आया होगा. इफ 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मेरे को रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है, तो पहले तो मैं वॉल्यूम फाइंड करूंगा, उससे मैं पहले तो मिल्क मेरे को भरना है तो रेट निकाल लूंगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्लैंट हाइट चाहिए, बिकॉज हमारे पास वॉल्यूम की बात आएगी तो पहले तो हम लोग स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज वॉल्यूम तो हमको डायरेक्ट मिल जाने वाला है, ये तीन पॉइंट. ठीक है, तो पहले तो हम लोग वॉल्यूम बात करते हैं. तो वी कैन से हमारे पास वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला बहुत क्लियर है, 1/3 πh इंटू R1² + R2² प्लस हमारे पास R1 R2 हो जाएगा. उसका मतलब इधर 1/3 इंटू 22/7 एंड इंटू हमारे पास 16. ब्रैकेट में हमारे पास R1² मतलब कि 8 का स्क्वायर में करता हूँ तो मेरे को 64 मिलेगा, प्लस 20 का स्क्वायर मतलब कि हमारे पास 400 हो जाएगा, एंड इधर 20 इंटू 8 160 हो जाएगा. ठीक है, उसका मतलब कि 1/3 इंटू 22/7 एंड इंटू हमारे पास 16 तो है ही है, एंड इधर हमारे पास 400 प्लस 160 प्लस हमारे पास 60 तो 624 हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसा हमको कुछ आंसर मिल रहा है. सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हेन वी आर डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग हम लोग सब कुछ कर रहे हैं तो हमको जो आंसर मिलेगा वो मेरे को मिलेगा 10449. हमारे पास 92 एंड सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ जाएगा. ठीक है, तो ये तो बहुत क्लियर हो गया ना. वी आर नोइंग ना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर होता है, तो इतना कितना, मतलब कि मेरे को सेंटीमीटर क्यूब मिल रहा है ना, उसको मैं डिवाइड करूंगा 1000 से तो मेरे को लीटर में मिल जाएगा. ठीक है, तो वी कैन से हमारा वॉल्यूम इन लीटर विल बी इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करूंगा 1000 से तो मेरे को 10.449 मतलब कि 10.45 लीटर मेरा वॉल्यूम आ गया. चलो ठीक है, अब एक और कंडीशन गिवन है कि 1 लीटर का कॉस्ट मेरा ₹20 है, तो पूरे का कितना आएगा, मतलब 1 लीटर होगा तो ₹20, therefore 10.45 है तो कितना, मतलब इधर मेरे पास टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 20 इंटू 10.45, मतलब कि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये चीज तो मेरे को जो आंसर मिलेगा इट विल बी अप्रोक्सीमेटली ₹209 मेरे को आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया कि मेरे को टोटल कॉस्ट फॉर फिलिंग द मिल्क इन दिस कंटेनर विल बी इक्वल टू ₹209. ये मेरा आंसर सॉल्व हो गया. ठीक है, तो ये तो बहुत क्लियर हो गया. अब जो सेकंड थिंग हमको बोला है कि कर्व सरफेस एरिया की बात किया. ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमको जो स्लैंट हाइट होता है वो तो हमको फाइंड करना ही पड़ेगा. सब हम लोग अब स्लैंट हाइट फाइंड करते तो क्या उसका फॉर्मूला पर फर्स्ट टर्म होता है एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस इधर आएगा R2 - R1 का होल स्क्वायर आ जाएगा. चलो ठीक है, उसका मतलब अंडर रूट ऑफ एच का वैल्यू 16 है, 16 का स्क्वायर प्लस R2 - R1 मतलब 20 - 8 करूंगा तो मेरे को इधर 12 का स्क्वायर मिल जाएगा. ठीक है, मतलब अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर 256 प्लस मेरे पास 12 का स्क्वायर 144, उसका मतलब अंडर रूट ऑफ 400 इज इक्वल्स टू मेरा स्लैंट हाइट हो गया 20. चलो ठीक है, मतलब कि स्लैंट हाइट विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ये भी बात क्लियर हो गया. अब मेरे को तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस मेरे को बेस तो चाहिए ना, मिल्क ऐसे ही तो नहीं भर दूंगा, नीचे क्लोज होगा तभी तो मिल्क होगा. उसका मतलब कि मेरे को सरफेस एरिया मैं बात करता हूँ तो इट विल बी पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस क्या, क्योंकि पाई इंटू मेरे पास R2 का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज बेस हमारा R2 लिखते हैं तो R2 का स्क्वायर लिख देंगे. ठीक है, उसका मतलब कि इधर पाई इंटू 20 + 8 मेरे पास हो जाएगा 28. ठीक है, एंड इंटू मेरे पास इधर 20 है तो 20 लिख दिया, एंड प्लस इधर वापस पाई इंटू छोटा वाला जो बेस रेडियस है वो नीचे आ रहा है, मतलब कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो इट विल बी इक्वल टू मेरे पास 64 हो गया. चलो ठीक है, उसका मतलब कि पाई कॉमन ले लिया तो क्या 28 इंटू 20 करते हैं ना, तो मुझे 5
मिलेगा एंड प्लस मेरे पास इधर 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो मेरे को 64 मिलेगा। चलो ठीक है, अब क्या, क्योंकि अब मेरे को बोल दिया है ना कि ये मैं पहले तो मैं कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेता हूँ, तो मेरा कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा, क्योंकि 560 प्लस 64 मतलब कि 624 एंड वो भी पाई आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो गया सरफेस एरिया का। ठीक है चलो, ये बात तो क्लियर। अब द सेकंड थिंग इज, मेरे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मेरे पास 8 रुपीज पे करना है, तो मेरे को 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना, इसका मतलब हमारे पास इधर टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू मेरे को आएगा 624 पाई इंटू 8 एंड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ये पूरा का पूरा आंसर, तो मेरे को मिलेगा इट विल बी 156.75 एंड इट विल बी इन आल्सो रुपीज। ठीक है, तो ये मेरे को आंसर मिल गया कि मेरे को टोटल रुपीज विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस मटेरियल और कंटेनर विच विल बी इक्वल टू 156.75 रुपीज एंड मुझे मिल्क उसमें फिल करना होगा तो मेरे को 209 रुपीज करना होगा। ठीक है,